आप देख रहे हैं छोटेकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम लोग फील्ड में समय समय पर जाते रहते हैं और जहां पर भी हम लोग फील्ड में जाते हैं अधिकतर हमारा समय जो है वो कस्टमर्स के साथ में मिलने में रहता है और तो उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में उनसे पूछना, कैसी उनको सर्विसेज मिल रही हैं उसके बारे में जानकारी देना, या उनकी कोई एप्लीकेशंस जो होती हैं जो फील्ड में, क्योंकि वो हमारे ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं, हमारे इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके जो इस्तेमाल करने के तरीके में कुछ बदलाव आते हैं या उनको कोई फीचर ऐसा कुछ चाहिए जो कि उनको लगता है कि हमें हेल्प करेगा, वो सब की जानकारी हम समय समय पर लेते रहते हैं जब उनसे मिलते हैं। तो वही एक यहाँ पर आने का भी मकसद यही है, कुछ एक ग्राहकों से फीडबैक लेते रहते हैं और उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट, उसके बाद जो उनसे फीडबैक को हम इवेल्यूएट करते हैं, हमारे जो हमारा जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको हम लोग रिसीव करते हैं और वो लोग फिर उसमें से जो भी इंसाइट्स होती है उसके हिसाब से जो हमारे प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने हैं या नए प्रोडक्ट्स में कोई फीचर्स आने हैं वो सब चीज़ का डिसीजन उसके बेसिस पर लिया। हिंदुस्तान में ये पहली कंपनी है जिसने कि ट्रैक्टर बनाना शुरू किया था 1960 और उसके बाद बाकी की कंपनीज हिंदुस्तान में आई हैं, तो सबसे पहली कंपनी है जिसने ट्रैक्टर बनाना शुरू किया और तकरीबन 60 साल कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आज नहीं है जिसमें हमारा प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी ना हो, तो हर एप्लीकेशन में चाहे वो एग्रीकल्चर में गांव में किसानी की एप्लीकेशंस हैं या फिर कमर्शियल यूज़ की एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि ट्रॉली चलती है या स्पेशल एप्लीकेशंस रहती हैं जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर की है, हॉलेज की है, ट्रॉली की है, पोस्ट होल डिगर हैं, सीड ड्रिल्स हैं, प्लांटर्स हैं, डोजर लोडर्स हैं, ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं इन सब के लिए हमारे पास अब प्रोडक्ट हैं। गार्डन यूज़ के लिए हमारे पास ऑर्चर्ड या उससे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि छोटे छोटे संकरी गलियों में से या नैरो ट्रैक विड्थ वाले ट्रैक्टर जो कि जहाँ पे सिर्फ 3 फीट के अंदर अंदर आपको चलना रहता है, उस तरह की एप्लीकेशंस के लिए सभी तरह के हमारे पास रेंज अवेलेबल है। और हम लोग फिलहाल जो है वो 18 हॉर्स पावर से लेकर के और 75 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ से यहीं से हम लोग 80 देशों में निर्यात करते हैं। और राजस्थान जो है ये कैफे ग्रुप के लिए तो एक उनका महत्वपूर्ण या सबसे प्रायोरिटाइज्ड स्टेट है ही है क्योंकि राजस्थान में हम लोग 50% से अधिक हमारा शेयर है और वेस्टर्न राजस्थान जो है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं जो ये एरिया है बीकानेर और मारवाड़ का जो एरिया है ये एरिया जोधपुर और सांचोर भीमाल इस ये जो इलाका है यहाँ पे हम 86-87% हमारा हमारी मार्केट की भागीदारी है। कस्टमर्स काफ़ी जो भी ट्रैक्टर लेता है उसके सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं 70% लिया है। कुछ एक कस्टमर ऐसे हैं जिनकी हम लोग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं कि उनको पुराना ट्रैक्टर एक्सचेंज करना है या उनके पास में पूरा मार्जिन मनी नहीं होता है, तो वो कुछ कस्टमर छूट जाते हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट ले जाए, लेकिन बाकी कस्टमर जो हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि वैसे ही लेते हैं। मेरी समझ से मैसी को यहाँ के कस्टमर से मिलने के बाद में उनसे हमको मालूम पड़ता है कि मैसी को वो सोने की तरह मानते हैं कि जब उनको कभी पैसे की ज़रूरत हो जाए देर सवेर रात में भी अगर वो अपना ट्रैक्टर को निकालना चाहें बेचना चाहें तो तुरंत सेल कर सकते हैं, सोने की तरह ये है और जिस कीमत में वो ख़रीदते हैं तकरीबन उसी कीमत में वो बिक जाता है, तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है इतना सारा इतने साल इस्तेमाल करने के बाद में भी करीब करीब सेम प्राइस पे उसको सेल कर देते हैं। तो जैसे सोने का भाव चलता है वैसे ही मैसी का भाव चलता है।
आप देख रहे हैं छोटेकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।